टाइम अप, टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में जीएस डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 34 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, आई होप आपने उसके आंसर्स लिख लिए हैं। अब हम उस आंसर के अप्रोच को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो डायस्पोरा से रिलेटेड है। द क्वेश्चन सेज, डिस्पाइट हैविंग लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, इंडिया फेसेस वेरियस चैलेंजेस टू हार्नेस इट्स पोटेंशियल। क्रिटिकली कमेंट एंड ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ डायस्पोरा फॉर सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। 15 मार्क का क्वेश्चन है जिसे 250 वर्ड के अंदर लिखना है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंस ऑफ डायस्पोरा के बारे में बात कर रहा है कि इतनी लार्ज डायस्पोरा के होने के बावजूद जो हमारा पोटेंशियल है उस डायस्पोरा का, उसको हम प्रॉपरली अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू गिव डेटा एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू डायस्पोरा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज तो ये करना है, और इसका जो कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, दैट इज रिगार्डिंग क्रिटिकली कमेंट, यानी कि हमें इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही पर्सपेक्टिव को इक्वली यहां पर डिस्कस करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। एंड सिंस दिस क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो इस चीज को प्रॉपरली आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर अच्छे पॉइंट्स देने होंगे, तभी आपका आंसर एक अच्छे आंसर की तरह डेवलप होगा। साथ ही साथ जो एक पर्टिकुलर स्कीम है हमारी आत्मनिर्भर भारत स्कीम, उसके अंदर डायस्पोरा का रोल क्या हो सकता है, किस तरीके से इस पर्टिकुलर स्कीम को स्ट्रेंथन करने के लिए इस डायस्पोरा के रोल को हम यूज कर सकते हैं, वो भी चीज आपको इस आंसर के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी हैव टू टॉक अबाउट एज टू व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन टू दिस आंसर। सो इस इंट्रोडक्शन को अगर आप बात करेंगे, तो जैसा हमने हमेशा बात की है कि आपको इंट्रोड्यूस करना है विद द बिगर पिक्चर। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट डायस्पोरा, तो आपको सबसे पहले डायस्पोरा के बारे में बताना होगा कि भारतीय डायस्पोरा कितना है। तो उसके लिए आप अलग अलग तरीके के जो यू नो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, उसके रिपोर्ट्स को यहाँ पर कोट कर सकते हैं। सो यू कैन टॉक अबाउट ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट, जो कि सबसे लेटेस्ट 2020 में निकला था। उसके अनुसार देखो, इंडिया जो है दैट इज द लार्जेस्ट, एक लार्जेस्ट कंट्री है जिसका सबसे लार्जेस्ट डायस्पोरा जो है वो वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है, राइट। और अगर आप डेटा को बात करो तो 17.5 मिलियन, दिस इज द काइंड ऑफ डायस्पोरा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब इंडिया का डायस्पोरा इतना स्ट्रॉन्ग है दैट ऑलमोस्ट इन एवरी सिंगल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, बेट वेस्ट एशिया, बेट मिडल ईस्ट, बेट यूरोपियन कंट्रीज, बेट यूएसए, बेट यूरोपियन यूनियन, हर जगह पर इंडिया का डायस्पोरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड इट इज टू अ ट्यून ऑफ अराउंड 17.5 मिलियन पीपल, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा इंडिया का प्रेजेंट है। और अगर आप डायस्पोरा की बात करें, तो डायस्पोरा से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया में आती है, दैट इज रेमिटेंसेस, राइट। और वो रेमिटेंसेस की अगर आप बात करेंगे, तो अभी तक जो हमारे पास डेटा आया है उसमें ये है कि वी हैव गॉट एनुअली अराउंड 80 बिलियन ऑफ यू नो रेमिटेंसेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, एंड इट कंबाइंस टू बिकम यू नो एक इंडिया का, इंडिया के बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ये रेमिटेंसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन इंट्रोड्यूस द आंसर। अब इसके बॉडी पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं एज टू व्हाट शुड बी द बॉडी पार्ट। अब देखो, बॉडी पार्ट में वंस अगेन वी हैव टू टॉक अबाउट द मेन डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इंडिया का जो डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है उसके सिग्निफिकेंस क्या है। एग्जैक्टली हमारा जो डायस्पोरा है वो इतना स्ट्रांग किस तरीके से होता है, और उसके एग्जैक्टली इंपैक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इंपैक्ट लेकर के हम डायस्पोरा को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक फ्रंट पे, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इंडिया की जो डायस्पोरा है वन ऑफ द रिचेस्ट माइनॉरिटीज में से एक है। नाउ व्हाई आर यू सेइंग दिस एज माइनॉरिटी, बिकॉज व्हेन इंडियन पीपल दे गो टू डिफरेंट कंट्रीज, सो ये माना जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ऑल्दो बहुत ही लो होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, सो दे एक्चुअली कंप्राइज ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। बट इसके बावजूद इंडिया के जो रेमिटेंसेस है दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि इंडियन जो स्मॉल कम्युनिटी है दे आर अ वेरी वेरी रिच क्लास। तो पहली चीज तो ये, इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडियन डायस्पोरा जो है इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके कारण इंडिया के जो खुद के इंटरेस्ट हैं, भले ही वो इंडिया के पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो या फिर इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो इंटरनेशनल रिलेशन के लेवल पे, उस चीज को स्ट्रेंथन करने में भारतीय डायस्पोरा यानी कि इंडियन डायस्पोरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंडिया का जो रेमिटेंसेस है दैट इज टू अ ट्यून ऑफ अराउंड 80 बिलियन डॉलर्स, और 80 बिलियन के आसपास का जो यू नो इतना स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है वो उस पर्टिकुलर कंट्री के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है उसमें इंडिया की इमेज को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड पॉइंट, नाउ सेकंड वी कैन टॉक अबाउट द पॉलिटिकल फ्रंट, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंट के बारे में। सो व्हाट वी कैन से, अभी देखिए यूके का जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, नाउ ही इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। फिर अगर आप यूएसए की जो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन गवर्नमेंट है दोनों में ही आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडियन डिप्लोमैट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे इंडियन डायस्पोरा की पीपल हैं जिन्होंने टॉप पोजिशंस को मतलब क्लेम किया हुआ है।
साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं और सीईओज हैं जो कि इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उन सबके हेड्स हैं. सो दिस शोज कि नॉट जस्ट इकोनॉमिकली बट रदर पॉलिटिकली ऑल्सो भी और बिजनेस सेंस में भी इंडिया की जो डायस्पोरा है वो काफी इंपॉर्टेंट पोजिशन को भी होल्ड करके बैठी है. मतलब कि इंडियन डायस्पोरा के अंदर पोटेंशियल इतना स्ट्रांग है दैट दे कैन लीड इवन इन अ डिस्टिंक्ट कंट्री. जो इंडियन कंट्री नहीं भी है किसी और कंट्री के जाने के बावजूद भी वहां पर टॉप पोजिशंस को वो लोग क्लेम कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, नाउ वी कैन टॉक अबाउट द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू. देखो फॉरेन पॉलिसी में आप कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ही हमें और ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं कर सकती है, रदर भारत के सॉफ्ट पावर को, इंडिया के सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने में, इंडिया की हेजेमनी को इंक्रीज करने में भी काफी एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रोल निभाती है. राइट, देखिए अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के 2020 के यूएस के विजिट के बारे में बात करेंगे, सो ही वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड एस मेडिसन स्क्वायर. नाउ मेडिसन स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर मेडिसन स्क्वायर, व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट इवेंट? सो मेडिसन स्क्वायर वाज अ इवेंट एंड इट वाज वेरी वेरी डिप्लोमेटिकली हेल्ड इवेंट बिकॉज इस इवेंट के थ्रू इंडियन डायस्पोरा के कॉन्ट्रीब्यूशन को रियलाइज करने के लिए, उसको और ज्यादा शो करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस पर्टिकुलर इवेंट को रखा गया था. सो मेडिसन स्क्वायर इवेंट वॉज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल विजिट, रादर इट वॉज अ वेरी वेरी डिप्लोमेटिकली सेट इवेंट जिसके थ्रू इंडियन डायस्पोरा को कॉन्ट्रीब्यूशन को थैंक मतलब करने के लिए और इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन को रियलाइज करने के लिए इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था. इसके थ्रू जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी थी उसको उसकी पोटेंशियल को रियलाइज किया गया. दे टॉक्ड अबाउट एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे एंड जो मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, इन दोनों ने साथ में मिलकर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे जिसके कारण भारतीय और अमेरिकन कम्युनिटी जो है, इंडियन जो डायस्पोरा है, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता था. सो दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज. सो हम ये भी देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के फॉरन पॉलिसी में इंडियन डायस्पोरा को काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने होते हैं. इंडियन डायस्पोरा के काफी सारे इंपॉर्टेंट एक्चुअली इनिशिएटिव्स भी होते हैं जो कि इंडियन जो फॉरन पॉलिसी है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में काफी हेल्प करती है. नाउ दीज वर सम पॉजिटिव पॉइंट्स. नाउ एज यू रिमेंबर जो हमारा क्वेश्चन था, इट आस्क्ड अस टू क्रिटिकली कमेंट, यानी कि पॉजिटिव के साथ साथ में हमें कुछ इसके नेगेटिव्स बताने हैं, हमें कुछ इसके चैलेंजेस बताने हैं. सो नाउ वी ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट कि जो भारतीय डायस्पोरा दूसरी कंट्रीज में रह रही हैं उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं, एग्जैक्टली उनके रहने के कारण भारत को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इंडियन गवर्नमेंट को पॉलिटिकल सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में या फिर फॉरेन पॉलिसी के सेंस में किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, इसे भी हमें डिस्कस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नाउ कैन वी से कि जो भारतीय डायस्पोरा है वो ऑल्दो इंडियन डायस्पोरा तो है बट उनकी जो डिमांड्स हैं दे आर वेरी वेरी हेट्रोजीनियस इन नेचर. राइट, हेट्रोजीनियस होती है. सी किस तरीके से, अगर आप बात करेंगे इंडियन डायस्पोरा वो जो कि गल्फ रीजन में रहते हैं, नाउ गल्फ रीजन में व्हाट दे वांट इज वो भारत से सिक्योरिटी चाहते हैं. दे वांट कि किसी भी तरीके का अगर इनस्टेबिलिटी गल्फ कंट्रीज के अंदर आता है सो इंडिया शुड हेल्प दीज पीपल आउट एंड इंडिया उनको बाहर निकाले एंड प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करे. सो दिस इज द डिमांड ऑफ डायस्पोरा जो कि गल्फ कंट्री के अंदर रहते हैं. बट अगर आप यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन इन सब कंट्री की बात करेंगे तो जो भारतीय डायस्पोरा इन कंट्री के अंदर रहती है इनकी डिमांड टोटली डिफरेंट है. दे डोंट वांट सिक्योरिटी, दे वांट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. राइट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. दे वांट कि जो भारतीय कंपनीज है, इंडियन कंपनीज है, दे शुड कम एंड इन्वेस्ट इन यूएस, यूके एंड सिमिलरली जो इनकी कंपनीज है दे शुड बी एबल टू गो एंड इन्वेस्ट इन इंडिया. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. सो भारत की जो डायस्पोरा है दिस इज नॉट जस्ट अ यूनिफाइड डायस्पोरा, रादर इनके जो डिमांड्स हैं वो बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस इन नेचर है. राइट, सो आई होप आप समझ गए जो हेट्रोजीनिटी है वो काफी एक चैलेंज होता है भारतीय पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए. बिकॉज नाउ व्हाट इंडिया हैज टू डू इज इंडिया को पॉलिटिकली इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी मतलब इसको भी कॉन्ट्रीब्यूट करना है और इसको भी कॉन्ट्रीब्यूट करना है. सो इंडिया को दोनों के लिए अलग अलग डिमांड्स को कंप्लीट करना होता है. सेकेंड चीज, नाउ एज यू नो कि इंटरनेशनल रिलेशन में देर इज अ वेव ऑफ एंटी ग्लोबलाइजेशन. देखो ग्लोबलाइजेशन का जो पीरियड था इट केम इन अराउंड 2000s, ठीक है, इट रिमेन्ड इन बाय 2020s, बट अभी धीरे धीरे जैसा हम देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड कंपैरेटिवली डिक्रीज हो रहा है, रदर रीजनलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, फिर इंडिविजुअलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है. राइट, सो अगर हम रीजनलाइजेशन की बात करें सो हम एक चीज देखते हैं. आप अगर यूएसए को देखोगे सो यूएसए में एक नया स्टेटमेंट स्टार्ट किया गया था, देयर वाज अ स्लोगन दैट वाज गिवन कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. So what was it? They actually wanted to focus on those labors, on those people जो कि US के लोग हो,
मतलब कि यूएस के मूल के जो मतलब निवासी हैं, जो वहां के लोग हैं, उनको जॉब पहली प्रायोरिटी में देना है. मतलब दे आर नाउ नॉट लुकिंग एट द स्किल्ड पीपल, रादर दे आर लुकिंग एट द नेशनैलिटीज ऑफ पीपल. मतलब अगर एक पर्टिकुलर भारतीय इंसान है, एक इंडियन पर्सन है जिसके पास स्किल्स है, बट स्टिल ही इज नॉट गेटिंग जॉब इन यूएसए, यूके, उनको जॉब नहीं मिल रही है बिकॉज दीज कंट्रीज दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन देयर ओन सिटीजन्स, दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन देयर ओन पॉपुलेशन. दिस इज कॉल्ड एज एंटी ग्लोबलाइजेशन. जब आप ग्लोबल लेवल से हट करके अपने खुद के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, यू स्टार्ट टू टॉक अबाउट योर ओन बेनिफिट्स, दैट इज कॉल्ड एज एंटी ग्लोबलाइजेशन. नाउ एंटी ग्लोबलाइजेशन के कारण ये देखा गया है कि बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा हैं, उनको वहां पर जॉब्स नहीं मिल रही है, प्रॉपर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू कम बैक टू इंडिया. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज. सो ये चैलेंज किस तरीके से, बिकॉज ध्यान से सोचो, इफ अराउंड 100 पीपल इफ दे आर गोइंग टू यूएसए, अगर वो अमेरिका जा रहे हैं एंड दे आर इन सर्च ऑफ अ जॉब, बट उन्हें अगर वहां जॉब नहीं मिलती है, देन दे विल फॉल बैक टू इंडिया, वो वापस इंडिया में आएंगे, एंड इंडिया में आने के बाद दे विल क्रिएट द डिमांड इन इंडियन सोसाइटी, इन इंडियन जॉब सेक्टर, राइट. और ये जॉब सेक्टर में, इंडियन जॉब सेक्टर में डिमांड इंक्रीज होने के कारण जो भारतीय मतलब जॉब सेक्टर है जिसके अंदर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज है, वहां पर जो डिमांड है जॉब की और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा प्रेशर है, जो हमारे सोसाइटी के ऊपर, जॉब सेक्टर के ऊपर, ये चीज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स कि एंटी ग्लोबलाइजेशन को सॉर्ट आउट करना, एंटी ग्लोबलाइजेशन को मतलब सॉल्व करने के लिए भी भारतीय डायस्पोरा को, इंडियन डायस्पोरा को सॉल्व आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन डायस्पोरा को थोड़ा सा मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ थर्ड फैक्टर, नाउ वी कैन टॉक अबाउट वेस्ट एशिया, वी कैन टॉक अबाउट मिडल ईस्ट. देखिए ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि गल्फ कंट्रीज हैं, एंड गल्फ कंट्री में बिकॉज ऑफ ऑयल एंड बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ ऑयल, वहां पर इनस्टेबिलिटी और वॉलेटिलिटी ये लगातार इंक्रीज होती रहती है. नाउ इस इनस्टेबिलिटी के कारण क्या होता है, देर इज अ वेरी वेरी रैंडम एंड फ्रीक्वेंट जॉब लॉस. ठीक है, मतलब जो भी पर्सन वहां पे काम कर रहा है, दे डोंट हैव द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दे डोंट हैव द सिक्योरिटी ऑफ जॉब, दे डोंट हैव द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. उसके कारण क्या होता है, जब भी उनको जॉब से निकाला जाता है, सो दे वंस अगेन ट्राई टू फॉल बैक टू इंडिया. ठीक है, और गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा देखा गया है, बिकॉज यहां पर जो जॉब सिक्योरिटी है वो सबसे लो है, राइट. इवन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स, एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि गल्फ कंट्री में काम कर रहा है, दे हैव एवरेज जॉब टेन्योर ऑफ जस्ट 17 डेज. मतलब एक पर्सन को सिर्फ 17 दिनों का जॉब मिलता है. सो दैट इज द काइंड ऑफ इंपैक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर उनको एक प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाता है, सो दे हैव टू फॉल बैक टू इंडिया, उनको वापस इंडिया आना होगा, और वंस अगेन दे विल क्रिएट डिमांड इन इंडियन जॉब सेक्टर, और भारतीय सोसाइटी, भारतीय जॉब सेक्टर के अंदर फिर से एक बार प्रेशर बढ़ना इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स. नाउ वन मोर प्रॉब्लम, देखो जब भी हम डायस्पोरा की बात करते हैं, सो वी कैनॉट से कि डायस्पोरा हमेशा स्ट्रांग ही होता है. डायस्पोरा कभी कभी बहुत नेगेटिव होता है, बहुत वीक होता है. वन एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक इज खालिस्तान इशू. देखो खालिस्तान इशू को अगर आप समझेगो, सो एक चीज ये है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है दैट देर हैज बीन सम काइंड ऑफ फैक्शंस, सम पीपल जो कि कैनेडा, यूएसए ऐसे एरियाज में रह रहे हैं, ऐसे डायस्पोराज में रह रहे हैं, एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेगेटिव कॉजेस. बिकॉज देखो खालिस्तान एक ऐसा इशू है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करता है, राइट. दे वॉन्ट अ सेपरेट नेशन. नाउ जब खालिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग बाहर से फंडिंग करते हैं, when they start funding things, right, when they start taking political initiatives against Indian government, तो ये चीजें Indian diaspora कुछ के कुछ ऐसे steps होते हैं जो भारतीय political system के against में काम करते हैं, Indian foreign policy के against में काम करते हैं, and this is something that we want to avoid, especially from Indian diaspora. So I hope आप ये चीज समझ गए कि after all किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा एक बहुत ही पॉजिटिव की तरह काम कर सकता है, बट साथ ही साथ इंडियन डायस्पोरा के बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मैनेज both the positives and the negatives of Indian diaspora. All right, now let's move to the next part of the question. Question का जो second part था, it talked about कि exactly जो Indian diaspora है, उसके क्या impacts हैं आत्मनिर्भर भारत के ऊपर. I hope you remember this thing. तो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर Indian diaspora के क्या impact पड़ रहे हैं, and after all किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को strengthen करने के लिए हम Indian diaspora का use कर सकते हैं, इस चीज को भी हमें discuss करना है. ठीक है, तो देखिए इसको हम discuss करने की कोशिश करते हैं. First thing, can we say that there is something called as brand India, brand India, and this is very much visible in the foreign countries. ठीक है, अगर आप बाहर की countries में देखेंगे तो ये चीज बहुत ही visible है कि जो brand India है वो चीज actually एक unified factor है सारे के सारे Indian diaspora के लिए. मतलब देखो इंडिया के अंदर there can be differences between people of just suppose हरियाणा and केरला, there can be differences. मतलब अगर एक पर्सन हरियाणा का और एक पर्सन केरला का है, इफ दे मीट देर कैन बी सम रीजनल एस्पिरेशंस एंड रीजनल डिफरेंसेस.
बट अगर यही दो सेम पीपल जाकर किसी और कंट्री के अंदर मिलते हैं, बीट यूएसए बीट यूके, देन वहां पर डिफरेंसेस नहीं होंगे, रादर इट विल वर्क एज अ यूनिफाइंग फैक्टर, ब्रांड इंडिया की तरह काम करेगा। नाउ जो इंडियन डायस्पोरा है उसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये ब्रांड इंडिया को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में और ज्यादा इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। नाउ इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम ट्रेड के पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं। देखो मान लो कि जितने भी इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं अगर वो दूसरी कंट्री में जाकर के भारतीय मूल की चीजों को इस्तेमाल करते हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सो ऑटोमेटिकली उनका जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे जैसे उसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली उसका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा, उसकी जो मतलब यू नो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी इंक्रीज होगी, और उस तरीके से जो उस पर्टिकुलर चीज की जो वैल्यू है वो भी दूसरी कंट्री के अंदर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। इससे ये हो सकता है कि ग्लोबल ट्रेड में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो है उसकी ओवरऑल वैल्यू भी काफी ज्यादा इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाए, राइट। तो ये ब्रांड इंडिया जो है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए हम इंडियन डायस्पोरा को यूज कर सकते हैं, पहली चीज। तो सेकंड चीज क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं जो कि बाहर रह रहे हैं बट उनके पास प्रॉपर एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं है कि क्या किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज उनको इंडिया में मिल सकती है। तो क्या हम उनको उस चीज के बारे में अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्या हम उनको नॉलेज दे सकते हैं, क्या हम उनको एक्सपर्टीज दे सकते हैं कि आफ्टरऑल किस तरीके से इंडियन कम्युनिटी के अंदर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, इंडियन बिजनेस सिस्टम के अंदर आपको अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, दैट यू कैन इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। इंडियन कंपनीज आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, आफ्टरऑल किस तरीके से जो भारतीय लोग हैं वो लोग बाहर जाकर किसी दूसरे सेक्टर में जॉब ले सकते हैं, बाहर के लोग वापस आकर इंडियन सेक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर सकते हैं। तो इन सब के लिए जो एक्सपर्टीज एंड नॉलेज है इसको अपलिफ्ट करने में भी इंडियन डायस्पोरा को आत्मनिर्भर भारत के थ्रू काफी इंपॉर्टेंट हेल्प मिल सकती है। थर्ड चीज क्या हम ये कह सकते हैं कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जैसे कि पॉवर्टी को कम करने में, माल नरिशमेंट को कम करने में, राइट, किसी भी तरीके के डिजीजेस का जो आउटब्रेक है उसको कम करने में भी इंडियन डायस्पोरा काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। मतलब कि देखो अगर मैं जाकर के किसी और कंट्री से हेल्प मांगू उससे अच्छा है कि मैं इंडियन डायस्पोरा से हेल्प मांगता हूं, और इंडियन डायस्पोरा अगर हेल्प करेगी तो ये आत्मनिर्भर भारत का एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज इंडिया इज रिलाइंग ऑन इटसेल्फ। भले ही वो लोग इंडिया के अंदर डायरेक्टली नहीं रहते हैं, भले ही वो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, बट स्टिल दे आर इंडियंस, और इंडियंस से अगर इंडियन सपोर्ट मांग रहे हैं तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। इंडियन के एजुकेशन सेक्टर के अंदर, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, इन सब सेक्टर के अंदर हम कॉन्ट्रीब्यूशन को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। फिर हम एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करने के लिए इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं कि जो भारतीय लोग हैं वो लोग यू नो जो बाहर के लोग हैं, मतलब जो मान लो कोई एनआरआईज हैं, वो लोग इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया में आकर एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उनको जो भी जो टेक्निकल नॉलेज वगैरह है वो लोग वो यहाँ के लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइनेंसिस में हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से भी आत्मनिर्भर भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडियन डायस्पोरा के साथ मिलकर के। फिर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट में हम ये कह सकते हैं एक प्रॉपर चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, बिकॉज इट इज ऑफन सीन कि जो लोग एनआरआईज हैं जो कि इंडिया में नहीं रहते हैं बट दे हैव बिजनेस रिलेशंस इन इंडिया, दे हैव अ वेरी वेरी गुड सेंस ऑफ इंडियन मार्केट कंडीशंस कि किस तरीके से भारतीय मार्केट काम कर रहा है, डोमेस्टिक लेवल किस तरीके से, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज किस तरीके से काम कर रही है, तो उसके तहत वो लोग डिफरेंट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर, इन सब के अंदर वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं, इसके कारण उनका एफडीआई भी आ जाएगा, मतलब उनका खुद का इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और इंडिया के अंदर एफडीआई भी आ जाएगी, राइट। उसके अलावा हम एक डायस्पोरा डिप्लोमेसी नाम की चीज होती है उसको भी यूज कर सकते हैं, जहां पर हम डायस्पोरा को यूज करते हैं किसी भी टाइप के पॉलिटिकल गेन्स को यूज करने के लिए, ये भी हमारे आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, राइट। तो इस तरीके से आप अलग अलग यहां पर इनिशिएटिव्स दे सकते हैं, आप अलग अलग यहां पर एग्जांपल्स दे सकते हैं कि आफ्टरऑल किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा को यूज करके हम आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में हेल्प कर सकते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। देखो ये हमारे क्वेश्चन का डायरेक्ट एक मतलब वो था, पार्ट था, हमारे क्वेश्चंस के अंदर जो भी डायरेक्टली स्टेटमेंट्स आपसे पूछे गए थे वो सब चीजें हमने डायरेक्टली डिस्कस कर ली। नाउ लेट्स गिव सम सजेशंस कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हम और कर सकते हैं। क्या हम ये कर सकते हैं कि अपनी इंडियन डायस्पोरा को और स्ट्रेंथन करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, आउटरीच कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, हम एजुकेट कर सकते हैं उन्हें कि आफ्टरऑल किस तरीके से उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, पहली चीज। तो ये सेकेंड चीज, भारतीय फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए, स्पेशली अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं तो क्या हम वहां पर इंडियन डायस्पोरा को इंक्लूड कर सकते हैं। मान लो कि भारत यूएसए के साथ कोई एक रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है, कोई पॉलिसी साइन करना चाहता है, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो इंडियन डायस्पोरा है जो कि यूएसए के अंदर रह रही है, हम उनसे बातचीत करें, हम उनसे समझने की कोशिश करें, यह भी चीज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। थर्ड चीज, क्या हम ये कर सकते हैं कि देखो अभी अगर आप इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे तो बहुत सारे डायस्पोरा यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, इन सब एरियाज के अंदर काफी सारे डायस्पोरा है हमारे, क्या हम साउथ अफ्रीका, राइट, साउथ ईस्ट एशिया,
और ईस्ट एशिया, इन सब कंट्री के अंदर भी अपने इंडियन डायस्पोरा को स्ट्रांग करने के लिए काम कर सकते हैं। ये भी कुछ ऐसे रीजंस हैं जहां पर हमें इंडियन डायस्पोरा को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। नेक्स्ट चीज, जो भी प्रॉब्लम्स किसी भी एनआरआई को या फिर इंडियन डायस्पोरा के लोगों को भारत के अंदर बिजनेस स्टार्टअप करने में होती है, उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कंसेप्ट लेके आ सकते हैं। हम अपने बिजनेस को और ज्यादा आसानी से करने में हेल्प कर सकते हैं ताकि डायस्पोरा को हेल्प आउट हो, राइट? तो इस तरीके के सजेशन आप दे सकते हैं जो कि आपके आंसर को और ज्यादा यू नो बेटर बनाएंगे। आई होप आपको ये आंसर अभी तक प्रॉपरली समझ आ गया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस आंसर को एंड कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है। तो देखो, एंड करने से आप ये बोल सकते हो कि इंडियन डायस्पोरा जो होती है ना, वो एक ऐसे ब्रिज की तरह होती है जो कि इंडिया को और जो दूसरी कंट्री है, जो भी इनका होस्ट नेशन है, जहां पर भी ये लोग रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, तो इन दोनों को जोड़ती है। तो एक ब्रिज की तरह काम करती है, और ये ब्रिज इतनी स्ट्रांग होती है कि ये ब्रिज के थ्रू ये दोनों ही कंट्री अपनी रिलेशनशिप को काफी ज्यादा स्ट्रांग कर सकती है, राइट? देखो, बिकॉज ये ऐसे लोग होते हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन तो इंडिया के साथ है, बट इनका इनडायरेक्ट कनेक्शन उस कंट्री के साथ होता है जहां पर वो लोग रह रहे हैं। सो दोनों ही कंट्रीज उस पर्टिकुलर डायस्पोरा की बातों को बहुत ही सीरियस लेती है और उनके साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए काफी काम करती है। सो दैट इज वाई वी कैन से कि इंडियन डायस्पोरा को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा भारतीय फॉरेन पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में, इंडियन डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स को, जो भी इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में इंडियन डायस्पोरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एंड ओनली देन कैन वी से कि भारत सच में आत्मनिर्भर हुआ है, जहां पर हमें किसी और कंट्री को डायरेक्टली इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं हो रही है। रदर इवन इफ वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ आर ओन डायस्पोरा, हम अपने ही लोगों की मदद ले रहे हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई प्रॉपरली कि आफ्टर ऑल किस तरीके से भारतीय डायस्पोरा को यूज करके आप इंडिया के रिलेशन विद डिफरेंट कंट्री को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।